तो राष्ट्रीय का कारवा आज पहुंच गया है बुलंदशहर, और बुलंदशहर में जनता की राय हम जानेंगे। देखिए, बुलंदशहर एक ऐसी सीट है जहां से लगातार भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी के दो बार से जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट मिली है। ऐसे में मुकाबला कैसा होगा भोला सिंह फिर से, लेकिन शुरुआत करते हैं यहाँ से, कुछ ही किलोमीटर दूर खुर्जा है। खुर्जा की ब्लू पॉटरी बहुत फेमस है, कई घरों की रोजी रोटी इसी खुर्जा पॉटरी और इसी के कामकाज से निकलती है। ब्लू पॉटरी भी वहां पर बनाई जाती है। सबसे पहले तो तालियों के साथ आप सभी का बहुत स्वागत। बुलंदशहर के लोग हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बार के चुनाव को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में। फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं इसमें से, वोट कौन कौन डालने वाला है, आप लोग वोट डालने वाले हैं, तो बच्चों से ही शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री बार बार बच्चों को, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको अपील कर रहे हैं। आपकी क्या सोच है चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, बताइए। कौन बोलेगा, बोलिए। मैम, हमें ना हमारे मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जो मतलब अच्छे हैं, जो देश के लिए अच्छा सोच सके, हमें उन्हें वोट करना चाहिए। ये नहीं है कि हर किसी बात की है आपने, लेकिन अपने उम्मीदवारों के बारे में जानकारी ली है आपने, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ पता किया? दो का लिया है, एक तो मतलब जी भारतीय जनता पार्टी से भोला सिंह है जैसे, और कांग्रेस से शिवराम वाल्मीकि जी को यहाँ से वो सीट दिया गया है। तो अभी उनकी क्वालिफिकेशन को जानो, कौन क्या कर रहा है। दो बार से भोला सिंह जी रहे हैं हमारे, बस यही चाहिए जो आपने अभी बोला है ना, यही चाहिए। कुछ बुजुर्ग जो यहाँ पर अन्य लोग हैं उनसे पूछते हैं, आप लोग सोचिए बताइए यहाँ के क्या मुद्दे हैं। मुद्दे ये है कि एजुकेशन का अच्छा आ जाए, कुछ एजुकेशन का अच्छा अब बने, मेडिकल का अच्छा हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा हो जाए। मैडम, ये मेन चीज है यहाँ पर जो कि हमें जरूरत है। तो आप लोग स्थानीय मुद्दे सोचकर वोट डालते हैं या लोकसभा इलेक्शन में देश के मुद्दे सोचकर वोट डालते हैं? कितने लोग देश के मुद्दे सोच के वोट डालते हैं, हाथ उठाइए। क्या सोच के देश के मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, अगर डुअल पॉलिसी इस तरह की चली जाए कि जो है नहीं वो दिखाया जाए, हमें हमारे सामने वो तस्वीर रखी जाए, तो वो ठीक नहीं है। कई दल है, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस तरह की बातें जनता के सामने बरगलाने वाली न की जाए। जनता सब जानती है, सब देख रही है, विकास कितना हुआ है नहीं हुआ है। पहले मजाक उड़ाई गई थी कि विकास पैदा नहीं हुआ, विकास अब दिखाई देता है, सबको सामने दिखता है, दूर दूर तक मैं भी जाता हूँ और सब जगह देखता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट काफी है। तो हमें ये सब मुद्दे देखने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है, हमारे बच्चे तरक्की कर लेंगे अगर हमें ये चीजें मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से मिले तो काम करने के मौके मिले, तो हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप बताइए आप क्या सोच रही है चुनावों को लेकर इस बार। यत्र नारी पूजते रमन्ते तत्र देवता, जहां मैं नजर घुमाती हूँ मणिपुर में मेरी बेटियों को निर्वस्त्र किया गया, तो महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। जहां टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ तो 19th सेंचुरी में भी सोचा गया कि IIT बने, IISc बंगलुरु बने, उस तरह का कोई मुझे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल नहीं दिखाई देता। शिक्षा में मुझे दिखाई देती है एक अज्ञानता, और मेरे बच्चे मुझे लगता है कि एक उन्मत्तता से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यदि स्थानीय मुद्दों की बात करती हैं, मैं टीचर हूँ मैम, और किसी पार्टी से भी जुड़ी हुई है? जी मैम। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से मैम। अच्छा, मुझे नहीं पता था नेता भी आ रहे हैं। बीजेपी का भी कोई है तो हाथ उठाइए। अच्छा, बीजेपी वाले भी हैं, ठीक है। तो आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद आ रहे हैं। लोकल मुद्दा मैम, बुलंदशहर के विकास के लिए आता है सांसद निधि से फंड, लेकिन वो वापस भी चला जाता है बिना किसी विकास के। और सांसद जी के गोद लिए हुए गांव भोपतपुर को देखिए, स्मार्ट सिटी बना हुआ है पूरा गांव। कुछ वहाँ पर हुआ नहीं है। जरा पूछते हैं इनसे, भोला सिंह का हिसाब अब इनसे लेते हैं, बीजेपी वालों से। बीजेपी वाले भी सुबह सुबह आए टोपी लगा के, बताइए। मैडम, ये कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी एक क्या श्रीदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी के मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है वो अभी चालू होने वाला है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज। 40 क्या कम है जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना से, हर आप किसी भी छोटे कस्बे में, छोटे से भी बाढ़ में चले जाइए, वहां आपको प्रधानमंत्री ये जो आवास योजना सब जगह मिली हुई है, राशन मिल रहा है, धारा 370 हटा दी गई, 35A हटा दी गई, और सबसे बड़ी बात 500 साल के इतिहास में हमें राम मंदिर दिया आदरणीय मोदी जी ने। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था यहाँ इतनी अच्छी है कि कभी भी रात को 12 बजे भी अगर कोई भी बहन बेटी अगर घर से बाहर निकल जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, राम मंदिर का निर्माण ये मुद्दा बीजेपी उठा रही है, आप लोगों के लिए इसके क्या मतलब है? आपको लगता है कि अच्छा है नहीं है या ये जरूरी नहीं है? बहुत अच्छा है, राम मंदिर को बना के अच्छा किया। यस मैम, खुश लग रही हैं आप? यूपी को एक नया दर्शन दिया है। यस, क्या दिया है नया दर्शन? वहाँ एक भगवान की स्थापना की है, जितने भी स्थान मंदिर हैं वो बहुत दूरी पे हैं जातक की हर सुविधाओं में। दर्शन नया कहाँ हुआ? क्यों बने हैं राम मंदिर, और मैं तो चाहती हूँ मोदी जी हमेशा हमारे साथ रहें। कितना साल चुनाव लड़े? जब तक उनकी इच्छा हो। आप बोलिए, आप बोलिए, क्या सोचते हैं?
मैम मैं तो यही सोचती हूँ कि अब तक जो विकास हुआ है यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है। मैं अपने गली मोहल्ले में जाती हूँ, वहाँ पे हमारी जो आवास योजना देखा है वहाँ पे बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे घर बने हुए हैं बकायदा। अब लोग कहते हैं नहीं हुआ विकास, अब देखोगे तो पता चलेगा ना कि हुआ है विकास या नहीं हुआ। जय श्री राम। आप लोग बताइए क्या सोच रहे हैं। मैडम राष्ट्र के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, आतंकवाद खत्म हो गया, बहुत सारी चीज हो गई, राम मंदिर होगा, लेकिन थोड़ा सा मिडिल क्लास और सर्विस क्लास का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं वैसे बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तब से जुड़ा हुआ हूँ विद्यार्थी परिषद से 89। आपको भी लग रहा है कि मिडिल क्लास को जो फायदा मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, नई पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। मैं बहुत पुराना कार्य करता हूँ, मैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा, जो हमारे नए साथी हैं उनको भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही, ओल्ड पेंशन स्कीम आपके अंदर लागू पेंशन, लेकिन 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 ओवरऑल लेकिन लेकिन फिर भी ओवरऑल बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, खासकर यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। हमारी जो बहन बेटियां हैं असुरक्षित महसूस करती हैं, तो बीजेपी वास्तव में बहुत अच्छा काम करती है और हम चाहते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, असुरक्षित या सुरक्षित? आप असुरक्षित बोल रहे हैं जी। लेकिन अब ये दिलचस्प है कि आप चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो लेकिन फिर भी काम आपको बीजेपी का पसंद आ रहा है, तो इसकी वजह, एक सेकंड सवाल पर तो पहुंचे दीजिए, इसकी वजह क्या है कि आपको लगता है कि वो विकल्प नहीं है? दूसरा क्या वजह है कि आप चाहते हैं ओपीएस वो लागू करें नहीं हो रहा है फिर भी आप वोट बीजेपी को करेंगे, वजह क्या है इसकी? ओवरऑल जो मुद्दे हैं उनमें हमें लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम, ओवरऑल राम मंदिर 370, राम मंदिर भी एक मुद्दा है क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, 370 है, आतंकवादियों पर जो नकेल कसी गई है ये बहुत अच्छा है, तो इस तरह से ओवरऑल गुंडाराज रहा है वो भी हम लोगों ने देखा, हमारी बहन बेटियों के साथ जो होता था, रात को 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी, उसको बदलते हुए हमने तस्वीर देखी है, बाहर जाते थे तो कहते थे यूपी के भैया आ गए, लेकिन अब बाहर वाले लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें यूपी में जाना है, यूपी के मुख्यमंत्री को हमारे यहाँ ले आइए, योगी जी को, इस प्रकार का बदलता हुआ माहौल हमने देखा है, इसलिए हम बीजेपी। आपको क्या लगता है? मैं यही कहना चाहूंगी बीजेपी अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बीजेपी ने बहुत अच्छे सराहनीय कार्य किए हैं, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, राम मंदिर जो मुद्दा है पहले केवल इसको स्टार्ट करके छोड़ दिया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला है तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 370 की, तो उसको भी हटा के ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी के लिए। और अगर महिलाओं की सुरक्षा पर बात करूं तो जैसा लक्ष्मण जी ने बताया कि वास्तव में पहले अनूप शहर में 7 बजे के बाद हम कहीं निकलते नहीं थे, अब हम 10-11 बजे तक भी आराम से कहीं भी आ जाते। अच्छा ठीक है, एक बार 360 दिखा दीजिए, कितने लोग राष्ट्रीय मुद्दों को सोचकर वोट करते हैं लोकसभा में? चारों तरफ दिखा दीजिए आप सारे राष्ट्रीय मुद्दों को, या लोकल मुद्दे भी सोचते हैं आप लोग? लोकल मुद्दे भी सोचते हैं या राष्ट्रीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे एक तरफ है लेकिन लोकल मुद्दे भी सोचने पड़ते हैं, क्योंकि ज्यादा मत सोचिए, जैसे मैं यहाँ एक स्टूडेंट हूँ, मैं एमएससी कर रही हूँ यहाँ से, तो मतलब मेरे को यहाँ कॉलेज आना रोज एक टास्क होता है बहुत बड़ा, पढ़ाई से अलग मतलब आने जाने की दिक्कत, तो ये चीजें भी सोचनी पड़ती हैं और मेरी जैसी ही ये सब आसपास हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप कह रही हैं कि जरूर इंडिया में हर जगह अच्छा करने की जरूरत है। मैडम सरकार बढ़िया है, बीजेपी की काम भी बढ़िया कर रही है, सड़क निर्माण करे हैं, आवास बनवाए हैं, योजना बनाए हैं, 5 लाख रुपए मिले हैं एक प्रत्येक व्यक्ति को, पर ये सरकार का सिस्टम जो शिक्षा व्यवस्था में अग्निवीर योजना बना दी, अब बच्चा 18 साल के बाद तैयारी करता है, आर्मी में लग गया, 4 साल बाद रिटायर हो गया, क्या करेगा 4 साल बाद? 4 साल बाद वो मजदूरी करने में शर्म आएगी उसको, मजदूरी नौकरी आप कह रहे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। पेपर लीक हो रहे हैं मैडम, 18 साल का बच्चा जो पुलिस का पेपर देने जा रहा है पहले पेपर लीक हो रहा है, सरकार की व्यवस्था है, सरकार अच्छी है, काम भी ठीक है, पर शिक्षा को भी तो देखना चाहिए, शिक्षा क्या है, मंदिर बनवा रहे हैं ठीक है अच्छी बात है, आस्था है, आस्था के ऊपर आपने मंदिर बनवा दिया, मंदिर अच्छी बात है, हम राम को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, ठीक है अच्छी बात है, बीजेपी सरकार काम बढ़िया करे, पर मैडम मैं बीएड का स्टूडेंट हूँ, एमए किया है मैंने, और एनआरसी कॉलेज ए ग्रेड कॉलेज है, और वहाँ पे भी बात होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी आए हैं वहाँ पर, शिक्षा का जो स्तर है 18 साल के बाद बच्चा तैयारी करता है, 4 साल रेस मारता है, 3 साल मारता है, जब तो उसका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन हो गया, रेस मारता मतलब एक्सेलरेटर दबाता है, और कंपटीशन की तैयारी करता है, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बच्चे पढ़े हैं, यहाँ सामने लाइब्रेरी है, दिन रात एक कर रहे हैं, कंपटीशन निकाल रहे हैं, निकाल के उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और जो रिश्वत खो रहे हैं पहले ही पैसे लेके पेपर लीक हो रहा है,
ये क्या है ये पर लीक नहीं रुकेगा तो ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। लेकिन मैं सवाल पे अगले आ रही थी कि अब जैसे आपने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि ओपीएस उनका मुद्दा है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे क्योंकि काम उनका लग रहा है, क्या नहीं नहीं वही क्या रोकना चाहिए ना। मैं किस और सवाल तक आ, सवाल सुनिए, क्या आपको कोई और विकल्प दिखता है एक पार्टी के रूप में जिसके हाथ में आप सत्ता देना चाहें? जी कांग्रेस, कांग्रेस ने पेपर कराए, भर्ती कराई, सब चीज कराया, पर उसमें मेरा ये नहीं कि मैं कांग्रेस का, जो काम बढ़िया करेगा उसका नाम होगा, काम बढ़िया काम करेगा आप उसी को वोट दोगे। दो तीन जल्दी जल्दी आप बताइए क्या मुद्दा आप लोगों का बताए। मुद्दा हमारा तो कोई भी नहीं है मैडम, बच्चों के लिए तो करो कम से कम, जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार जी, और ये रोजगार, रोजगार पे सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सांसद जो बोला, सांसद जी है ना, कोई पार्टी किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें रोजगार चाहिए। सांसद भोला के लिए, ये जो भोला सांसद है तीन बार से विजय हो रहे हैं, मैं मीणा जाति से हूँ, गांव मेरा करवास करेनी, तहसील शिकारपुर, थाना अहमदगढ़, बेटे की बहू को पेपर दिलवाने आया हूँ। मेरे की मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट है, भोला के नाम पे ना वोट मिलेगी ना जीवन में भी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पहली शुरुआत हमने बुलंदशहर से की है, यहाँ पर आपने देख लिया, उसके बाद से अब हम चलेंगे अलीगढ़, उसके बाद आगरा भी जाना है, मथुरा भी जाना है, वहां पर जनता की क्या राय है आपको दिखाएंगे। लेकिन ज्यादातर रोजगार का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा जो बार बार लोग उठा रहे, ओपीएस का भी मुद्दा आया यहाँ से, राम मंदिर पर खुशी भी कुछ बच्चों ने जाहिर की, वो बच्चा रोजगार के मुद्दे पर पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रीय लक में अब हेलीकॉप्टर शॉट में अगली जगह जिसकी तरफ हम रवाना होंगे वो जगह होगी अब अलीगढ़। तो आइए चलते हैं अलीगढ़ और अलीगढ़ की जनता से जानेंगे क्या है उनकी राय।